आप हमारी आत्मा के सदा समीप रहेंगे। गुरुदेव का अपने अंग अवयवों से पत्रस ने मित्रों, एक साधक के जीवन में समय समय पर उतार चढ़ाव आते हैं, पर एक साधक को अपने जीवन में कभी विचलित नहीं होना चाहिए। आध्यात्म का मार्ग ऐसा है जो कठिनाइयों से भरा हुआ है। बिना कठिनाइयों के व्यक्तित्व में निखार नहीं आ सकता। इसीलिए तो कहा भी जाता है, क्षुरस्य धारा निशता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कव्यो वदंती, अर्थात आध्यात्म के पथ पर चलना छुरे की धार पर चलने के समान है। आपकी आध्यात्मिकता परिपक्व हुई या नहीं, इसके लिए कठिनाइयों रूपी परीक्षा में से होकर गुजरना ही पड़ेगा। बिना किसी कष्ट के आपके जीवन में, व्यक्तित्व में चमक आ नहीं सकती। इसीलिए तो समस्त संत महात्मा भगवान जो पृथ्वी पर अवतरित हुए, उन्होंने कष्टों कठिनाइयों को आमंत्रण दिया और हम सब के प्रेरणा पुंज व पूजनीय बन गए। गुरुदेव ने आध्यात्म का सही अर्थ बताते हुए कहा है कि आध्यात्म का अर्थ चिंतन की उत्कृष्टता से है। गुरुदेव के कहे अनुसार सही आध्यात्म हम सब के जीवन में आए। इन्हीं कुछ भावों के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस पत्र की ओर। गुरुदेव का अपने अंग अवयवों से पत्र स्नेह, दिनांक 23 अप्रैल 1962, हमारे आत्मस्वरूप। पत्र मिला कुशल समाचार जाने। लश्कर में रविवार का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। आपके प्रयत्न से अनेकों आत्माओं में प्रकाश की उत्पत्ति होगी और आप देश जाति का बड़ा हित साधन करेंगे। अपना जीवन लक्ष्य पूर्ण करते हुए दूसरों को भी तारेंगे, ऐसा विश्वास है। शरीर से दूर रहने पर भी आप हमारी आत्मा के सदा ही समीप हैं। हम लोग परस्पर दर्शन करते ही रहते हैं। मथुरा आप कभी भी सुविधा अनुसार आवें। शिविर के समय, गायत्री जयंती पर या जब भी कभी इच्छा हो मथुरा आ सकते हैं। पूछना थोड़ी ही है, द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी जी प्रसन्नता पूर्वक आवें, उन्हें स्वीकृति है। माता जी आप सबको स्नेह लिखाती हैं। श्री राम शर्मा। प्रियजनों, जैसा कि गुरुदेव ने पत्र में कहा कि आप अपना जीवन लक्ष्य पूर्ण करते हुए दूसरों को भी तारेंगे, ऐसा विश्वास है। हम सभी अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें और पूज्य गुरुदेव के विश्वास को पूर्ण कर पाएं, ऐसी सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।